हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नेशनल न्यूट्रिशन रिसोर्स सेंट्रल सेंट्रल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, इसका जो यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है, रिक्रूटमेंट जो हो रहा है यहाँ पे। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, इसके साथ साथ आपको पूरा डिटेल बताऊंगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे नेम ऑफ पोजिशन जो है फर्स्ट कंसल्टेंट मॉनिटरिंग इवेल्यूशन, नंबर ऑफ पोजिशन जो है 1, इसके साथ साथ सैलरी रहेगा 80,000 पर मंथ। और सेकेंड जो है कंसल्टेंट सिस्टम एनालाइज डाटा मैनेजमेंट, जिसका भी वैकेंसी है यहाँ पे 1 है, आपको सैलरी रहेगा 60,000। उसके बाद जो पोजीशन है यहाँ पे कंसल्टेंट फिनेंस एंड मैनेजमेंट, जिसका वैकेंसी है 1,60,000 पर मंथ, आपका सैलरी। कंसल्टेंट प्रोडिक्योर जो कि वैकेंसी 1,60,000 पर मंथ, आपको सैलरी मिलेगा। अकाउंटेंट के लिए 4 वैकेंसी है यहाँ पे 30,000 पर मंथ। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए आपको 30,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी आएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द एफोरसाइड पोजिशन इन इन्वाइट द इनक्लोज द प्रो फॉर्म एनेक्सर 4 अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट मार्कशीट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। द एप्लीकेशन मे बी एड्रेस टू द डिप्यूटी डायरेक्टर WB नेशनल न्यूट्रिशन रिसोर्स सेंट्रल सेंट्रल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट पोषण अभिधेय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 3rd फ्लोर जीवन विहार बिल्डिंग्स संसद मार्ग न्यू दिल्ली 110001। तो दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी विद सर्टिफिकेट मार्कशीट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय क्लियरली इंडिकेटिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नेचर ऑफ वर्क डन एंड डेट ऑफ द रिविलिंग फॉर द करेंट एम्प्लॉयमेंट, अ कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर इशूड बाय द एम्प्लॉयर्स इंडिकेटिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। दोस्तों, यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो दोस्तों, फर्स्ट जो पोस्ट है यहाँ पे कंसल्टेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन के लिए आपको क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और BE BTEC IT कंप्यूटर इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस विद फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ IT कंप्यूटर विद एट लीस्ट 60% मार्क्स। इसके साथ साथ यहाँ पे 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस IT सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड एनालाइज। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो कि इसके बाद में अभी आप लोगों को बताऊंगा कि इसका सेकंड पोस्ट जो है यहाँ पे आप उसके लिए कि किस तरह से जो कि आप अप्लाई कर सक इसका डिटेल्स क्या है। तो सेकंड पोस्ट जो है यहाँ पे कंसल्टेंट सिस्टम एनालाइज डाटा मैनेजमेंट, जिसके लिए आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए पोस्ट का जो इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BTEC BU पोस्ट का जो डिग्री विद फॉर्मल ट्रेनिंग और IT कंप्यूटर विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे उसके बाद दिया हुआ है तो यहाँ पे जो पोस्ट है एनेक्सर 1, उसके बाद यहाँ पे एनेक्सर 2 में जो पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BTEC BE और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन विद फॉर्मल ट्रेनिंग ऑन IT कंप्यूटर विद 60% मार्क्स, 5 ईयर्स के आपको IT सिस्टम आपको एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद थर्ड जो है यहाँ पे उसके बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड पोजीशन जो है कंसल्टेंट फिनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके लिए यहाँ पे आपको MBA फिनेंस फ्रॉम द रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स आपको लेने के आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर्स के आपको यहाँ पे फिनेंशियल मैनेजमेंट में आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। इसके साथ साथ इसका जो पोस्ट है फोर्थ पोस्ट जो कि है कंसल्टेंट, जिसके लिए यहाँ पे कंसल्टेंट प्रोक्योरमेंट, जिसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट और MBA स्पेशलाइजेशन इन ऑपरेशन मटेरियल मैनेजमेंट सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट और अदर रिलेटेड डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 60% मार्क्स विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक में आपको जो कि क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो पोस्ट है अकाउंट, जिसके लिए आपको यहाँ पे पोस्ट का जो है इन कॉमर्स अकाउंटिंग CWA इंटर विद एटलीस्ट 50% मार्क्स
with 5 years experience accounting with experience of budgeting and auditing। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वन बाय वन जो कि बोल जाता हूँ बोल रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वन बाय वन जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए एक बार ध्यान से उसका जो डिटेल है एक बार पढ़ लेना। तो दोस्तों इसके बाद जो पोस्ट है यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट, जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन डिग्री विथ 50% मार्क्स आपको होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर इसका जो फॉर्म है यहाँ पे दिया हुआ है NHR 4, जो लोग NHR 4 के लिए या 4 पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहे उस इसको फॉर्म फिलअप कीजिए। उसके बाद और यहाँ पे दिया हुआ है NHR, तो इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। तो दोस्तों ये था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है इसके भी डिटेल। अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए मेरे चैनल पे। थैंक यू फ्रेंड्स।